पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ और इस्कंदर अली मिर्जा पहले राष्ट्रपति बने तो उन्होंने धमकी देकर पाकिस्तान के पांचवें वजीर आजम हुसैन शहीद सुहरावर्दी की कुर्सी छीन ली। इसके बाद मुस्लिम लीग ने अपनी पार्टी के नेता और चौधरी मोहम्मद अली की सरकार में कानून मंत्री रहे आईआई चुंदरीगर उर्फ इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश किया। विपक्षी पार्टियों अवामी लीग और मुस्लिम लीग के साथ ही दूसरी छोटी पार्टियों के समर्थन से पाकिस्तान के छठे वजीर आजम बने इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों पर आधारित खास सीरीज तख्ता पलट में आज बात पाकिस्तान के छठे प्रधानमंत्री आईआई चुंदरीगर की। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पाकिस्तान के फाउंडर मेंबर में से एक रहे इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर की पाकिस्तान की सियासत में एंट्री हुई थी 1947 में, जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक मुल्क बना तो लियाकत अली खान को पाकिस्तान का पहला वजीर आजम बनाने वालों में इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर भी शरीक थे। लियाकत अली खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की पहली सरकार में चुंदरीगर को कॉमर्स मिनिस्टर का पद दिया गया था। हालांकि वो इस पद पर एक साल से भी कम वक्त तक ही रह सके, क्योंकि मई 1948 में लियाकत अली खान ने उन्हें अफगानिस्तान में पाकिस्तान का राजदूत बनाकर भेज दिया था। वहां भी दो साल बीतते बीतते फिर से पाकिस्तानी सियासत में उनकी एंट्री करवाई गई। पहले उन्हें खैबर पख्तूनवा और फिर बाद में पंजाब का गवर्नर बनाया गया। लेकिन 1953 में जमात इस्लामी की पहल पर अहमदिया मुस्लिमों के खिलाफ पंजाब में दंगे शुरू हुए तो गवर्नर जनरल रहे मलिक गुलाम मोहम्मद ने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। तब इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर को भी अपना पद छोड़ना पड़ा था। 1956 में जब हुसैन शहीद सुहरावर्दी पाकिस्तान के वजीर आजम बने तो उस वक्त इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर को पाकिस्तान का कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन जब राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा की धमकी के बाद वजीर आजम सुहरावर्दी ने पद से इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग के नेता होने के बावजूद अवामी लीग, रिपब्लिकन पार्टी, कृषक श्रमिक पार्टी और निजामे इस्लाम पार्टी ने भी बतौर वजीर आजम इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर यानी कि आईआई चुंदरीगर के नाम का समर्थन किया। इसकी वजह यह भी थी कि सुहरावर्दी के कार्यकाल में कानून मंत्री रहने के दौरान चुंदरीगर ने खुद को एक नेता से ज़्यादा एक कामयाब वकील के तौर पर पाकिस्तान के सामने पेश किया था। इसका इनाम उन्हें वजीर आजम की कुर्सी के तौर पर मिला, जब पाकिस्तान के पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही चुंदरीगर का समर्थन कर दिया। लेकिन चुंदरीगर की यही कमजोरी भी साबित हुई कि वो एक अच्छे नेता से ज़्यादा एक अच्छे वकील थे, काबिल वकील थे। यही वजह थी कि जब चुंदरीगर ने सत्ता संभालने के साथ ही नेशनल असेंबली के पहले ही सेशन के दौरान पाकिस्तान में राष्ट्रपति को चुनने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में बदलाव की कोशिश की तो उनकी पार्टी के नेताओं के साथ ही उनके समर्थन में उतरी पार्टियों के नेताओं ने भी बगावत कर दी। राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा भी इलेक्टोरल कॉलेज के बदलाव के पक्षधर नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी और अवामी लीग ने संसद में चुंदरीगर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। चुंदरीगर को भी पता था कि अगर रिपब्लिकन और अवामी दोनों ही उनका विरोध कर रहे हैं तो उनकी सत्ता किसी भी सूरत में बच तो नहीं पाएगी। हालात को देखते हुए इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर ने 11 दिसंबर 1957 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस तरह से पाकिस्तान की आज़ादी के 10 साल के इतिहास में वो सबसे कम दिन यानी कि 55 दिन के वजीर आजम साबित हुए। उनके बाद रिपब्लिकन पार्टी के नेता सर फिरोज खान नून अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी और कृषक श्रमिक पार्टी के सहयोग से पाकिस्तान के 7वें वजीर आजम हुए। तख्तापलट सीरीज की अगली किश्त में बात होगी सर फिरोज खान नून की, जिन्हें एक साल के अंदर ही वजीर आजम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, क्योंकि तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने खुद की कुर्सी बचाने के लिए संसद को भंग कर पहली बार पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया, जो आगे चलकर पाकिस्तान की नियति साबित हुआ। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।